गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज से जुड़े कुछ खास बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहां पर ये वीडियो हम अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले रेणु जी, आपको दिल से धन्यवाद हमें कमेंट करने के लिए। इनका कमेंट है कि मैम, हमारा ब्लाउज पहनने पर शोल्डर आगे की तरफ झुकाव क्यों लेता है। तो ये हमारा 36 चेस्ट का ब्लाउज है। सबसे पहले हम इस कटिंग में आपको समझाएंगे कि सबसे पहला स्टेप होता है आपका कटिंग, दूसरा स्टेप होता है सिलाई परफेक्ट। तो पहले हम कटिंग में आपको अच्छी तरह समझाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको सिलाई करके बताएंगे कि जो हमारा शोल्डर होता है वो आगे की तरफ झुकाव क्यों लेता है। चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग करके, पहले हम 36 चेस्ट के कटिंग करेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ये हमारा कपड़ा है। इस कपड़े को इस तरह हमें डबल फोल्ड करना है ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर हम आगे और जो पीछे का पल्ला होता है एक साथ कटिंग करते हैं। तो हम इस पार्ट को थोड़ा आगे पीछे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई को जान लेते हैं, आपकी लंबाई कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमारी लंबाई 14 इंच है, तो हम 15 इंच रखेंगे। तो अब हम लंबाई की नाप करेंगे। जैसे कि ब्लाउज का नाप आपका लंबाई कुछ भी हो, तो अस्तर ब्लाउज के लिए 1 इंच और तुरपन के लिए आप 1.5 से 2 इंच कपड़े का मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाप करेंगे, 13.5 इंच था, तो हम यहाँ 14.5 इंच कपड़े की लंबाई सिलाई मार्जिन सहित रखी है। और यहाँ से देखिए, एक कपड़ा हमारा ये 1.5 इंच बड़ा है, ये देखिए 1.5 इंच बड़ा है। ये छोटा वाला पीछे का पल्ला हो जाएगा और बड़ा वाला आगे का पल्ला। अब 36 का हमें ब्लाउज बनाना है। तो 36 चेस्ट है, तो 36 का दूसरा भाग हमें रखना है 18 इंच। एक भाग 9 इंच, 36 का दूसरा भाग 18 इंच आएगा। तो यहां से ये निशान हमारा लग गया। अब यहां से आप सिलाई मार्जिन 1.5 से 2 इंच आप अपने कपड़े के हिसाब से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4 इंच इस तरह कपड़े को बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इस कपड़े को यहां तक, इस निशान तक हमें फोल्ड करना है। कपड़े को हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब इसे हम काट कर निकाल लेंगे। कटिंग हो गई है, अब हम चलते हैं नाप करेंगे। तो सबसे पहले 36 का एक भाग हमें रखना है यहाँ पर 9 इंच। तो इस तरह हम 9 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट हो गया। अब हम आर्म होल की तरफ चलते हैं। तो आर्म होल हम 5.5 इंच रखेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन के लिए। 11 इंच था, तो हमने 11 इंच का एक भाग 5.5 इंच यहाँ पर शोल्डर पे रखा है और 2 पॉइंट सिलाई के लिए। अब यहां से हम आर्म होल को झुकाएंगे 1.5 इंच। यहां से देखिए 1 इंच, ये हमारा आर्म होल बन गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले अब इसे खोल लेते हैं। अब ये यहाँ पर ज्वाइंट है, इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा छोटा वाला पीछे का पल्ला है और बड़ा वाला आगे का पल्ला। सबसे पहले हम पीछे पल्ले में कटिंग करेंगे गले की। इसे बराबर से रख लेते हैं। ढाई से 3 इंच तक की मुड्ढे की पट्टी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे।
गले की गहराई 8.5 इंच है तो हम 9 इंच पर कटिंग करेंगे सिलाई मार्जिन लेते हुए। यहाँ पर 2.5 इंच है तो यहाँ की गहराई हम 3 इंच पर देंगे। थोड़ा सा सेंटर मिलाते हुए ये हमारा बन गया गोल गला। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब ये रहा आगे का पल्ला, इसे भी हम बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसे भी हम 3 इंच पर यहाँ पे मुड्ढे की पट्टी रखेंगे। आगे का गला सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 6.5 इंच पर लगाएंगे निशान को। यहाँ से भी 3 इंच। ये हमारा गले का सेंटर हो गया। अब यहाँ से देखिए, हमें 1/2 इंच आर्म होल डाउन करना है। अब हम बेल्ट को निकालेंगे। हम पीछे पल्ले से आगे का पल्ला हमेशा आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हम ज्यादा सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं। आप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच ले लेंगे तो आपका आगे का पल्ला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम 1.5 इंच क्यों लेते हैं पीछे के पल्ले से आगे पल्ले में, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा और जो हमारी बीच से बेल्ट निकलती है 1/2 इंच इस साइड सिलाई के लिए, 1/2 इंच इस साइड की सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम बेल्ट को अलग करेंगे 13 इंच पर सिलाई मार्जिन का ध्यान रखते हुए। अब इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। यहां से 1 इंच ऊपर ये हमारा बन गया बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपना ब्लाउज ले लीजिए, ब्लाउज के से इंची टेप से नाप कर लीजिए, वहां से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन करते हुए आप बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम टक्स के भी निशान लगा लेते हैं। अब यहां पर जैसे कि चेस्ट हमारा ये 9 इंच है तो हमें 9 इंच इस तरह इंच टेप को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4.5 इंच, तो ये बीच वाला टक्स हमें यहाँ पर 2 पॉइंट सिलाई को छोड़ते हुए ये बीच वाला टक्स हम 4.5 इंच पर इस तरह लगा देंगे। अब इसकी लंबाई 2.5 से 3 इंच आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच। तो ये हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं। अब हम इस कपड़े से बाजू की कटिंग करेंगे। अब ये हमारा कपड़ा है, पहले इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो ये 15 इंच है डबल फोल्ड करने पर, इसमें जोड़ लगेगा। कम से कम हमें 18 इंच चाहिए। अब इतने कपड़े का यहाँ पर ज्वाइंट लगेगा इस तरह। देखिए, इसको दोबारा से इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब ये हमारा ब्लाउज का कटिंग है। अब इस तरह हमें आर्म होल को पकड़ना है और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह यहाँ पर हम निशान देखिए
तो यहाँ पर हमारा कपड़ा परफेक्ट है, हम इसको हटा लेते हैं। इसमें भी हम 1 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच की बाजू है, तो हम 5 इंच लंबा इसको रखेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं पहले। अब दूसरी साइड में 3 इंच हम डाउन कर देंगे। अब यहां से हम एक अच्छी सी बाजू शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब इसे खोलकर यहाँ पर गुड़ का निशान लगा देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच कपड़े को छोड़ते हुए ऊपर की साइड हम गहराई छाट देंगे। अब यहाँ पर जितना कपड़ा हमारा कम है ज्वाइंट लगा देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको 36 साइज ब्लाउज की कटिंग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया है। तो दीदी ने हमें बोला था कि मैम 36 साइज ब्लाउज कटिंग में हमारा ये जो शोल्डर होता है, ये हमारा जो कंधा होता है, इस तरह हम आपको फैलाकर दिखाते हैं, ये हमारा जो कंधा होता है ये इनका पहनने के बाद आगे की तरफ झुकने लगता है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो आपकी लंबाई बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, ब्लाउज की लंबाई परफेक्ट होनी चाहिए और आगे के पल्ले, पीछे का पल्ला जो हमारा है, हमने सिलाई मार्जिन रखते हुए कटिंग किया है, तो पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखना है। अगर आप नीचे से इस तरह तुरपन के लिए बना रहे हैं फोल्ड करते हुए, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर तुरपन के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच ले लीजिए। आगे का पल्ला बड़ा होता है, इसी कारण से आपका जो है शोल्डर बार बार आगे की तरफ झुकाव लेता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।